आज हम बनाएंगे प्रॉन्स बिरयानी, जिसे हम बोलते हैं झींगा। देखिए, ये हम लोग जो है झींगे को एकदम अच्छे से साफ कर दिया है, और हम ये इसका मसाला लेंगे। हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और गरम मसाला, लहसुन, अदरक, जितना भी आपको जिस हिसाब से आपका जो प्रॉन्स रहेगा, जो झींगा रहेगा, उस हिसाब से आप अपना मसाला ले सकते हैं। ओके, इसके बाद टमाटर ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जो सी फूड में है दही का इस्तेमाल होता है। अगर आप दही डालेंगे तो टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम बना रहे हैं प्रॉन्स बिरयानी। इसके लिए हमें पहले प्रॉन्स को एक गर्म पानी में हल्दी डालकर, नमक डालकर बॉईल करना रहेगा। चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने प्रॉन्स को पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून नमक डाला है, ताकि जो इसकी स्मेल है वो एकदम अच्छे से चली जाए। ये और जो प्राउन्स है वो एकदम जो चिपकी चिपकी हैं वो अलग अलग सिंगल सिंगल हो जाए। इसको हम थोड़ा सा बॉईल करने रख देंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसको छन्नी में छान कर इसका पानी फेंक देंगे। अगर आपको चाहिए प्राउन्स, अगर ये बॉईल होने के बाद अगर आपको चाहिए कि ऑयल में थोड़ा सा इसको तल लें, तो आप तल भी सकते हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने प्रॉन्स को बॉईल कर लिया है और इसको हमने छन्नी में छान लिया है, और हमारा जो है वो मसाला भी रेडी हो गया है। मसाला रेडी होने के बाद, और अगर आपको चाहिए तो प्रॉन्स ऑयल में आप फ्राई भी कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली डाल सकते हैं। हमारा प्रॉन्स स्मॉल स्मॉल है तो हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। हमने मसाले के बाद देखिए ऑयल लिया है, ऑयल में ऑनियन को ब्राउन करने के लिए रख दिया है। जब ये ब्राउन ब्राउन हो जाएगी प्याज, तो उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे और प्रॉन्स डालेंगे और हल्दी, मिर्ची और धनिया डालेंगे। ओके, हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी जो है प्याज पूरी ब्राउन हो गई है, पूरी लाल हो रही है। इसके बाद हम इसमें, ब्राउन होने के बाद एकदम अच्छे से ये ब्राउन हो गई है हमारी प्याज, हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। देखिए, हमने इसके अंदर मसाला भी डाल दिया है। ये हमारा मसाला डालने के बाद इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे। 1 1 टेबल स्पून, या आप अपने मसाले के हिसाब से ले सकते हैं 2 2 टेबल स्पून। ओके, हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने इसके अंदर ना हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी डाला है, और सॉल्ट, नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से डालिए और मिर्ची अपने हिसाब से डालिएगा, कि आपके अगर बच्चे हैं घर में उनको टेस्ट ना आए। इसको हमने पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम, ये हमारा जो है प्राउन्स का मसाला रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर जो जो बॉईल किया हुआ था प्राउन्स झींगा, उसको हम पूरा इसके अंदर कुकर में बस में डाल देंगे। ये देखिए, हमने इसके अंदर झींगा डाल दिया है, जिससे प्रॉन्स बनते हैं। एकदम अच्छे से हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है, और हम इसको 10 to 15 मिनट्स विसल सीटी करने के लिए छोड़ देंगे। ओके, 10 to 15 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे, तो ये पूरा हमारा जो है मसाला बन के रेडी हो जाएगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा जो है प्राउन्स का मसाला हमने सीटी लगा दी है,
ये मसाला जब तक हमारा भुनेगा, हम दूसरी तरफ चावल के लिए पानी बॉईल कर रहे हैं। इसके अंदर हमने लौंग और नमक डाला है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसके अंदर चावल डाल के इसको पसा लेंगे। ओके हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमने चावल को, ये हमने चावल ना अपने हिसाब से हाफ केजी लिया है। हाफ केजी से थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है इसकी क्वांटिटी। ये हमने चावल को वॉश कर लिया है और यहाँ हमारा जो है पानी पूरा बॉईल हो गया है। अब हम पानी ये बॉईल चावल अब हम बॉईल पानी में, गर्म पानी में चावल को डालेंगे। और जब तक चावल थोड़ा आधा हल्का हल्की कलिया हो जाए तो हम तब तक इसको पकाइए। पूरा मत पकाइएगा नहीं तो चावल एकदम खराब हो जाएगा। हल्का सा पकाने का इसको हम। ओके हेलो फ्रेंड, ये देखिए हमने जो पानी हमने बॉईल किया था उसके अंदर हमने चावल डाल दिया है। चावल डालकर आपको 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देने का है ताकि चावल जो है हल्का सा गल जाए। गलने तक के लिए हमें इसको छोड़ देने का है। इसके बाद हम इसको पका लेंगे। ओके हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो चावल है हो गया है। इसको हम अपने हाथ से तोड़ेंगे तो पूरा टूट जा रहा है। ये देखिए इसको अगर हाथ से तोड़ रहे हैं तो अपना हमारा टूट रहा है। अब इसके बाद हम इसका इसको छन्नी में छान लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मसाला एकदम रेडी हो गया है। एकदम रेडी हो गया है झींगे झींगे का। और इसके अंदर जो झींगा है वो भी गल गया है, जो प्रॉन्स हैं वो भी गल गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो ये चावल है जो हमने बॉईल करने रखा था उसको हमने छन्नी में पसा लिया है। अब हम इसके बाद इस बिरयानी के लिए रेडी करते हैं। चावल भी हमारा हो गया है, मसाला भी रेडी हो गया है। अब हम इसमें तह लगाएंगे। तह मतलब बिरयानी की स्टार्टअप करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमने ये ऑयल जो ऊपर ऊपर था मसाले का वो हमने निकाला है कलर के लिए। अगर आपको ऑयल डालना है तो आप ऑयल डाल सकते हैं, या तो फिर जो अवेलेबल है कलर शॉप में, जैसे टोमेटो रेड कलर या जलेबी का कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, वो भी डाल सकते हैं। तेल लगाने से पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि चावल जो है इसके अंदर से नीचे चिपके नहीं। फिर उसके बाद हम चावल लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी फर्स्ट तह लग गई है। हमने पहले ऑयल डाला, फिर चावल डाला, फिर मसाला डाला और कलर के लिए जो हमने ऑयल निकाला था वो डाला है। अब हम सेकेंड तह भी ऐसे लगाएंगे। इस तरह से हम 3 to 4, जितना आपका बॉल बड़ा है उतना आप तह लगा सकते हैं। ओके हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सेकेंड टाइम इसको रिपीट किया है। हमने पहले फिर से हमने राइस डाली, फिर मसाला डाला, फिर ऑयल डाला। इस तरीके से हमें 3 to 4 times रिपीट करने का है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा तेल लगा के हो गया है। हमने इसके ऊपर सिर्फ राइस रखी है, मसाला नहीं रखा है, ताकि जो हम अगर कवर करें इसको तो हमारा जो मसाला है वो लिड पे ना है, मतलब ढक्कन पे ना लगे। और इसको हम ना ढाप के रखेंगे, कवर करके रखेंगे 10 to 15 minutes ताकि ये पूरा अंदर तक पक जाए। और इसके बाद हम इसके ऊपर हैवी चीज़ रखेंगे। अगर आपके पास कुछ भी हैवी चीज़ है या तवा है या तो फिर कुछ भी है वो रख दिएगा कि ये पूरा अंदर तक पक जाए और हमारी जो बिरयानी है वो 10 to 15 minutes में रेडी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए इसमें से धुआं आ रहा है।
जो हमारी जो ये बिरयानी वो पक गई है, अब हम इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे और सर्व करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। आप इसको सर्व कर सकते हैं विद चटनी और इसका स्वाद का टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरीके से हम मीट गोश्त की भी बिरयानी बना सकते हैं और चिकन की भी बिरयानी बना सकते हैं। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।